हमारी गारंटी के बारे में कोई बात कर नहीं रहे, वो लोग उनके बाद करने को है नहीं, कहने कुछ नहीं है। सात गारंटी हमने बात करी है, कोई जवाब नहीं इनके पास में। तो हमारा मुकाबला बीजेपी के बजाय ईडी से है, इनकम से है और सीबीआई से। पूछो इनको, राजनीतिक पार्टी हो, ईडी भेजते हो घरों के अंदर, इनकम टैक्स को भेजते हो, छापे डलवाते हो, सीबीआई का दुरुपयोग करते हो, आर्थिक अपराधी है उनके खिलाफ की बजाय राजनीति में सरकारें गिराओ, बनाओ, उसके अंदर धमकाने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आप ईडी का उपयोग कर रहे हो। ये लोकतंत्र को खतरा है, जमहूरियत को खतरा पैदा हो गया देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ गई देश के अंदर। अगर संविधान नहीं बचेगा, कानून का राज नहीं रहेगा, तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। इतने में कहना चाहूंगा, बहुत गंभीर विषय है, हम लोगों को राजस्थान में सरकार बनानी चाहिए। इस बार जो मैं केरला का आपको एग्जाम्पल दिया, केरला में अगर एक अच्छा काम करने बन सकती है तो राजस्थान ने रिकॉर्ड काम किया। राजस्थान में आज जो स्कीम हमारी है, राजस्थान पहली बार देश के अंदर हर राज्य में चर्चा में आ गया है। आप जाइए किसी राज्य के अंदर, वो आपको बताएंगे कि राजस्थान में जो योजना है उसका अध्ययन करते हैं वो लोग, अधिकारी यहाँ भेजते हैं, हमारे सात आठ राज्य बीत चुके हैं, पूछते हैं कि आप ये दवाएं फ्री कैसे कर रहे हो, उपयोग लागू कैसे कर रहे हो। सीखने के लिए आते हैं हमारे राज्य के अंदर अन्य राज्य के लोग। आप फोर्स राजस्थान के मान सम्मान बढ़ने की बात है। राजस्थान को लेके अगर देश भर के अंदर केंद्र सरकार में चर्चा हो रही है, ये पहली बार चर्चा हो रही है। मतलब लोग राजस्थान रेगिस्तान है, अगर सूखे पड़ते हैं उसी को मानते थे, पिछड़ा हुआ राजस्थान है। अब राजस्थान ने जो प्रोग्रेस करी है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी राजस्थान के अंदर, शानदार सड़कें कहीं है राजस्थान के अंदर बनने लग गई है, पानी में, बिजली में, और 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, निःसज्जनों को, अपंगों को, विधवा को, 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख विधवाएं होगी उसके अंदर। मिनिमम 1000 कर दिया हमने, पहले 500 रुपये था, 750 था, 1000 रुपये कर दिए। पति पत्नी है, 2000 प्रति माह मिलता उनको, 24000 मिलता है प्रति साल का। ये भी कहीं नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी है। अंत में कहना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए हर परिवार को, एक मजदूर भी जो है काम करता है बुढ़ापे के अंदर, वो सही साथ नहीं देता उसका, उसको घर बैठे पैसा मिलना चाहिए। ये कानून बनना चाहिए देश के अंदर, दुनिया के मुल्कों में है, दुनिया के मुल्कों में आप जाइए, यूरोपियन कंट्रीज में वीकली पैसा मिलता है हर परिवार को, जिसको जरूरत है उसको मिलता है। हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग रहती है उनसे। दबाव बना रहे लगातार, हर जगह मौका मिलता है, मैं छोड़ता नहीं हूँ बोलने के अंदर, कि भारत सरकार को चाहिए कि आप 4 कानून पार किए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार और नरेगा मां नरेगा, कितने लोगों को भरा हो गया। 5 कानून आप बनाइए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी हर परिवार को, अभी तो 1000 रुपये देंगे और खुश करते हैं उसको, 1000 से काम चलता है क्या। अभी मैं रास्ते मिला, 2 महिलाएं बहुत ज्यादा बुजुर्ग थी, मैं नीचे उतरा, गाड़ी के नीचे उतरा मिलने के लिए उनसे। एक महिला ने कहा नहीं मुझे मिल नहीं रही, मुझे तो 1000 मिल नहीं रहा है, तो रवि भाई ने कहा मैं आपको सुनिश्चित करूंगा 1000 हो गया है, आपको मालूम नहीं मिल जाएगा। दूसरी महिला ने कहा, उनकी एक आंख खराब थी पूरी, उसने कहा 1000 रुपये कम पड़ते मेरे, बताइए आप 1000 वास्ते में 1000 की क्या कीमत है बता दीजिए। आपको कानून बनना चाहिए कि जो 5000 मिले, 10000 मिले, जो मिले हर परिवार को मिले। ये कोई ये एहसान नहीं है हमारा, वेलफेयर गवर्नमेंट ड्यूटी है लोकतंत्र के, जमहूरियत के अंदर, दुनिया भर के मुल्कों के अंदर, अपनी प्रजा को जिंदा रखने के लिए, आजीविका चलाने के लिए। कम से कम इतना पैसा दो उसको, घर कैसे गए उसका, ये कोई एहसान नहीं है, पैसा आपका ही है, आपके आता है, आपको वहां पर आपके पास जा रहा है। अभी आलोचना करे तो रेवड़ी बट रही है, उनको पूछो खुद कुछ भी करे वो रेवड़िया नहीं है, और हम लोग अगर सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं वो रेवड़िया हैं। इनकी पोल खुल गई पूरी,
इधर रफीक साहब को एक 5 साल आपने दिए, शानदार से काम किया, ऐसे ऐसे काम किए जो मेरे ख्याल पहले कभी नहीं हुए होंगे। इस आदमी ने काम किया और अंत में बात यह है, रफीक साहब तो रफीक साहब है, कमी रखनी है, आपके सुख दुख में काम आते हैं, पर जो भी एमएलए खड़े हैं जयपुर के अंदर, अगर आप चाहो तो राज बने हमारा, तो राज तो देखो तभी बनता है तब एमएलए जीत के जाता है, साफ बात है। कोई एमएलए की शिकायत भी हो सकती है अपने से, मुझसे शिकायत हो सकती है किसी की, अगर राज बनाना है, अगर आपने तय कर लिया है, अच्छा काम किया है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम हुए हैं, 2030 मिशन हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग टू 7 गारंटी दे रहे हैं हम लोग, तो आप सोच सकते हो राज तब बनेगा तब जयपुर शहर की जितनी सीटें हैं आप जीताओगे तब राज बनेगा। कृपा करके जहाँ आपका प्रभाव हो वहाँ आप लोग कोशिश करें, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएं और एक एक वोट दिलवाएं। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, हमारे बीच मैं बता रहे हमारे प्रभारी रंधावा साहब का आज के इस कार्यक्रम में हमें समय देने